नमस्कार, विराट के बघेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचन के स्वागत करी थे। खबर रीवा जिला से ही, जहां जवा थाना के अकौरी गांव में पुरान रंजिशन का लेके एक लड़का के ऊपर लोगन के द्वारा लाठी डंडा से वार कीनगा, जिमा लड़का घायल होगा। अपना पंचन का बताए दे फरियादी सत्य प्रकाश तिवारी पिता कौशल तिवारी 27 साल अकौरी के रहे वाला बतावा जात लाग है। सत्य प्रकाश बताए कि हम गांव के कुछ लोगन के साथ खड़े रहें, रात के समय रहा, पुरान रंजिशन का लेके जितेंद्र चतुर्वेदी दिलीप चतुर्वेदी आए और लाठी डंडा से मारे लागे, जैसे सत्य प्रकाश के मोड़े में चोट आई है। और एक बाद 100 डायल के प्रदीप चतुर्वेदी आए और हाथापाई और गाली गलौज की हिन। जब फरियादी जवा में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा तब पीड़ित बताइस कि घटना की शिकायत जवा पुलिस नहीं लिखिस और पीड़ित का डरा धमकाए के अपने से कुछ मनगढ़ कहानी लिख दीस। हुए फरियादी जितेंद्र द्विवेदी दिलीप चतुर्वेदी और डायल 100 के चालक के नाम बताइस कि लोगन के द्वारा झगड़ा मारपीट करत रहे, जवा पुलिस की या कारस्थानी कहो न कहो सवाल पैदा करत लागी। सत्य प्रकाश तिवारी, ग्राम पोस्ट अकौरी। सर, हम लोग रोड पे के पास खड़े थे 3-4 लोग, तो वहाँ पे ये दिलीप चतुर्वेदी और जितेंद्र चतुर्वेदी इधर से जा रहे थे और वहाँ पे हम लोग खड़े थे। ये पता नहीं, ये गए डायरेक्ट हमको डंडा और से डंडा लाठी से और मुक्के से और पाइप लिए थे, पाइप से मारने लगे। तो वहाँ पे बीच बचाव में थे 2-3 लोग, तो वो लोग आए पकड़े, तो इतने में हम लोग घर की तरफ आए, तो घर की तरफ 5 मिनट के बाद डायल 100 आ गई बगैर एंट्री बगैर फोन के, और उनका भाई प्रदीप चतुर्वेदी डायल 100 का ड्राइवर था। जी सर, पुरानी नरंजीश थाना थाने गया, तो वहाँ पे हम लोग गए तो ये डायल 100 के ड्राइवर थे प्रदीप चतुर्वेदी। अच्छा। प्रदीप चतुर्वेदी डायल 100 चलाते हैं जगह। हाँ। वहाँ पे गए तो ये रिपोर्ट ही नहीं लिखने दिए सर। सर, इनका दबाव था, ये डायल 100 के ड्राइवर हैं और उनकी वहाँ पे जान पहचान थी, इसके कारण वहाँ के पुलिस वाले भी हम लोग की जो हम लोग बोल रहे थे वो नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी जो हम लोग बोल रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, अपने हिसाब से वो लिख रहे थे रिपोर्ट। और हम लोग को वहाँ पे मारे भी, और हमारे बड़े भाई थे वो भी फरियाद कर रहे थे, उनको भी मारे, और वो लोग साइड में खड़े थे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। सर, हम उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, कुछ कार्रवाई हो जाए। वेदमूर्ति तिवारी, ग्राम श्रीमान जी, मेरे भाई में और उनके भाई में झगड़ा हो रहा था, मैं बीच बचाव करने पहुंचा। दिलीप चतुर्वेदी, प्रदीप चतुर्वेदी एवं जितेंद्र चतुर्वेदी झगड़ा का बीच बचाव करने हम गए। वहाँ पर 100 नंबर चालक प्रदीप चतुर्वेदी 100 नंबर लेके आए, हमसे हाथापाई किया। उतरते ही हम पर उन्होंने हाथ चलाया, अभद्र गालियाँ दी, और जब मैं इसका शिकायत करने थाना पहुँचा तो वहाँ पर मेरी शिकायत लिखी नहीं गई। मैं जो चाह रहा था, जिस प्रकार से चाह रहा था, उस प्रकार से लिखा नहीं गया। श्रीमान जी, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे साथ हुआ उसका उचित व्यवहार किया जाए, उसका न्याय मिले हमको, कि एक सरकारी सर्वेंट होकर जो 100 नंबर के चालक हैं वो स्वयं अपने आप को क्या समझते हैं कि इतना बड़ा हम पर दंड लगा दिया, उतरते ही हमें हम पर प्रहार किया, हमें मारे, गाली दिए, हमारे घर के औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं इसका न्याय चाहता हूँ। 100 डायल पता नहीं प्रभु किसने बुलाया था, जी दुरुपयोग ही है सर, दुरुपयोग कर रहे हैं, सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना इवेंट के यहाँ पर आए और हमसे मारामारी की, एक चालक होकर। हम प्रदीप चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से ही, जहां कुछ दिन पहले सैनिक अरुण कुमार गौतम कमांडो जे भारतीय सेना से रिटायर होए के बाद समाज सेवा में लगे रहे, जिनका साजिशन के चलते सलाखन के पीछे पहुंचावा गया रहा, उनके ऊपर रसूखा के तहत कार्यवाही की गई रही। जेल से निकले के बाद अरुण गौतम कहिन कि उनका जेल जाप जरूरी रहा और अब जनता के विश्वास उनके ऊपर और बढ़ेगा है, और जनता समझ गई कि कमांडो लोहा है। अरुण गौतम चिरौला मंदिर में जाए के हनुमान जी के दर्शन कहिन और मीडिया से बातचीत करत दर की का कहिन ऐ अपना पंचन का सुनाई थे। अरुण गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम है कमांडो अरुण गौतम। देखिए, हमारे ऊपर कोई ग्रहण नहीं लगा था, जो कार्य होता है अच्छे के लिए होता है, और जेल मुझे जाना बहुत जरूरी था, चूँकि मैं ये नहीं जानता था जेल है क्या। पहले तो हमको ये सीख मिली कि जेल में जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जेल है क्या। दूसरा चीज़, शासन प्रशासन मेरे ऊपर 16 सहित 16 मुकदमे कायम किए। 16 जब मैं सेना में था 2016 में, हमको उसका पता भी नहीं है, लेकिन इनको एक कालम पूर्ति करना था राष्ट्र का लगाने के लिए, तो इन्होंने कैसे किया क्या नहीं किया हमको तो खुद नहीं पता है। मैं जिस दिन से सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ उस दिन से लेकर के 11 महीने कंटिन्यू अपने बीवी बच्चे घर परिवार
माँ बाप सबको हमने त्याग करके हमने सिर्फ एक सन्यासी रूपी जीवन धारण किया और दिन रात सुबह शाम ठंडी गर्मी बारिश में सिर्फ जनता के बीच में गरीबों के बीच में सिर्फ जो शासन प्रशासन की योजनाएं हैं उनके तक पहुँचे, उनको उसका लाभ मिले, उसको दिलाने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ा था और उसके तहत मैंने काम किया। जनता का विश्वास तो उससे भी चार गुना और ज़्यादा होने वाला है। जनता और विश्वास करेगी और जनता ये मान लेगी कि कमांडो वाकई में लोहा है। अभी हमारा अभियान होगा कि हम जनमिलन समारोह रखेंगे और त्योथर जोड़ो यात्रा रखेंगे और त्योथर को जिला बनाया जाए, इसका भी अभी जो हमारे और मुद्दे बाकी थे अभी उस पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। खबर रीवा जिला से ही, जहां एटीएम कार्ड बदले के धोखाधड़ी के मामला सामने आवा है। पीड़ित के शिकायत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से ढूंढत लागी। मामला समान थाना क्षेत्र के एसबीआई एटीएम के जौन थाना क्षेत्र के समान तिराहा में संचालित है। पीड़ित राकेश कुमार मिश्रा 20 जनवरी का बैंक के एटीएम में पैसा निकलवावे गए रहे, जहां एटीएम बूथ में मौजूद दो आदमी के द्वारा एटीएम कार्ड चालाकी से बदल लेगा। पैसा ना निकले की वजह से राकेश मिश्रा वापस आएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उनके मोबाइल में पैसा निकले के मैसेज आएगा, जेखा देख के उनका होश उड़ेगा। घटना के जानकारी बैंक में दिहिन तब बैंक अधिकारी पुलिस में शिकायत करे के कहिस, जेके बाद थाना पहुंच के पीड़ित शिकायत दर्ज कराइस। पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कई के 1,15,000 निकाल लिहिन। अपना पंचन का बताए दे की लगातार एटीएम के धोखाधड़ी के मामला सामने आवत लाग है। खबर रीवा जिला के चौराटा थाना क्षेत्र के आवे वाले मरहा गांव के ही, जहां मोटरसाइकिल में बैठ लड़का ठेला से टकराएगा। घटना के बाद आसपास में खड़े लोगों के द्वारा युवक का अस्पताल पहुंचावागा, जहां उखर मौत हुई गई। मृतक के पहचान प्रबोध साकेत के रूप में भय ही, जबकि घायलन में राघवेंद्र और सुमित नाम के लड़का बताए जात लागे। तीनों लड़का एक ठे मोटरसाइकिल में बैठ के निमंत्रण खाए जात रहे, लौटत दर की कोहरा होए के चलते ठेला से टकराएंगे। कृष्ण कुमार साकेत, पटना, वो मौसी के यहाँ से चले आते थे तो वहाँ कोहरा था, कोहरा में रास्ते में ठेला में भिड़ गए मोटरसाइकिल में। कितने लोग सवार थे उसमें? तीन आदमी। इसमें कोई खत्म हो गया? क्या नाम उसका? प्रमोद साकेत। गाड़ी को चला रहा था? यही चला रहा था। प्रमोद साकेत चला रहे थे। कहाँ गए थे ये लोग? मौसी के यहाँ। काहे के लिए? वहाँ निमंत्रण रहा। ये घटना कब हुई है? 9 बजे रात को। जी, दो लोग जो उसमें और सवार थे उनको क्या चोट आई है? उन्होंने को हाथ पे वो हो गया है, पंचर हो गया हाथ, और एक के सीने में लगे थे। दोनों सुरक्षित थे? मतलब एक जी जी राबेंद्र साकेत और सुमित साकेत। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार साकेत। कल रात में मरहा एक गांव पड़ता है बनकुनिया रोड पे, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तीन लोग घायल हुए थे, जिनको राघव जो वहां से निकलने वाले व्यक्ति थे उनने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। पुलिस की गाड़ी तथा एम्बुलेंस भी पहुंचे थे, लेकिन उसके पहले वो लोग वहाँ से निकल आए थे। इलाज के दौरान उनसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी सरपंचनामा कार्रवाई करा दी गई है, पीएम शायद हो चुका है अभी तक। और एक्सीडेंट का कारण जो है वो शायद कोहरा ज़्यादा पड़ रहा था देहाती एरिया में, इस कारण देख नहीं पाया और ठेले से टकरा गए थे। कितने लोग घायल? एक व्यक्ति अभी तक मृत्यु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार का मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 22,412 जरूरतमंदन का आवास के खातिर निशुल्क जमीन देही। योजना के अंतर्गत सिंगरौली जिला में जिन गरीबन के लगे स्वयं के जमीन नहीं आए, उनका 421 एकड़ के कुल रकबे में शासन के द्वारा 60 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाये। चौदह लाख, 15 लाख, 42,000,
550 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और सिंगरौली में भी आएगा। 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 29 लाख। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे देश के रक्षा मंत्री और एक ऐसे राजनेता भारत बनाने में और सुरक्षित रखने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, माननीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारे हैं और कार्यक्रम भी अद्भुत है। हमारे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, एक परिवार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि छोटे से घर में रहने की जगह नहीं बची, और इसलिए हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उसको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब इस धरती पर जन्मा है तो इतना हक तो उसका है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। कई जगह ये गरीब भाई बहन कहते थे कि किसी की जगह में रहते हैं तो डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, ये करो नहीं तो हटा देंगे। अब ये प्लाट उनके अपने हैं, ये जमीन उनकी अपनी है, और आज सिंगरौली ज़िले में ऐसे 25,500 परिवारों को ये प्लाट वितरित किए जा रहे हैं। मेरा तो रोम रोम प्रसन्न है उनके चेहरे का आनंद देख के, बच्चों के चेहरे की खुशी देख के। और इसी कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के इस कार्यक्रम में अपने हाथों से इन गरीबों को अधिकार पत्र देने जमीन का राजनाथ जी युवराज सिंह जी चौहान को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही पुण्य कार्य किया है। जो भूमि है भूमिहीन है उनके लिए प्लाट आवंटन का कार्य आज बड़ी संख्या में किया है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उनकी संख्या संभवतः लगभग 25,000 से अधिक है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार यही कहते हैं, गरीब का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है, गरीब का कल्याण ये हमारे लिए मंत्र है, गरीब का कल्याण ये हमारे लिए प्रेरणा है। और इसी भाव से हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान को अपनी तरफ से उनकी भूरी भूत प्रशंसा करता हूँ और इस पुनीत कार्य के लिए उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी पूरी गवर्नमेंट को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज खातिर बघेली में इतना। विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।